सुबह के समय इतना जल्दी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि क्या बनाएं जो जल्दी भी हो और टेस्टी भी लगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अचारी बैंगन की बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी। इस रेसिपी को आप बिना झंझट के मिनटों में तैयार कर सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक गुप्ता क्रिएटिव रेसिपी। मैं हूँ कविता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अचारी बैंगन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम छोटे साइज का बैंगन लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसका स्टेम कट कर लेते हैं इस तरीके से, और जो थोड़ा थोड़ा इसके जो साइड से निकला हुआ है इसको भी कट कर लेंगे। बैगन को इस तरीके से बीच में कट कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि बैगन हमारा सही है कि नहीं है। तो बैगन बिल्कुल सही है, बाकी का भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। सारे बैगन को मैंने कट कर लिया है, तब हम इसके स्टफिंग तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि अचारी बैगन बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे अच्छा ट्रिक है हमारे पास, आम के अचार सभी के घरों में होता है, तो उसमें से 2 से 3 चम्मच आप मसाला ले लीजिए और थोड़ा सा हम इसमें मसाला और मिला लेते हैं ताकि मसाला थोड़ा ज़्यादा हो जाए। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच बेसन डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 से आधा चम्मच पानी डाल देंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो मसाले बाहर निकले नहीं। तो ये हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बैगन में भर लेते हैं। सारे बैगन में मसाले भर लिए हैं और मसाले बच भी गए हैं। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस में मैंने तेल रख दिया है, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो तेल में 1-1 करके बैगन को सभी को डाल लेंगे। सारे बैगन फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो सभी को अब हम निकाल लेते हैं और चलिए अब हम दूसरा कढ़ाई रख लेते हैं गैस पर। कढ़ाई गरम हो गया है, अब इसमें हम तेल डाल देंगे और जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा मेथी दाना डाल देंगे, चटकने देंगे सभी को। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, और जो हमने स्टफिंग तैयार किया था उसका मसाला थोड़ा बढ़ा सकते हैं। प्याज को कुछ देर तक अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें कलर नहीं आ जाता है। तो इसे भूनते हुए मुझे लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दे रही हूँ, इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल के पीस लिया है। आप चाहे इसके साथ ही मसाले डाल लेते हैं। तो 1/4 हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/4 धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे बहुत ही प्यारा कलर आएगा, और 1/4 जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल देंगे, अगर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज इसकी भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे मसाले डले हुए हैं, तो ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सभी को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मसाला जो बच गया था इसको डाल लेते हैं और सारे मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मसाले को 2 से 3 मिनट तक फिर से मैंने अच्छे से पका लिया है, तो अब हम इसे पानी डाल देंगे और ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देंगे जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, अगर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने मिला लिया है। तो ये हमारे ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें बैगन डाल लेते हैं 1-1 करके, और बैगन को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। तो अब इसके ऊपर हम मसाले डाल लेते हैं बैगन के ऊपर ताकि अच्छे से कोट हो जाए, और 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे ताकि सारे मसाले बैगन के अंदर में अच्छे से चला जाए। सब्जी को चेक कर लेते हैं, वाह कितना यम्मी दिख रहा है। तो ये हमारी अचारी बैगन की सब्जी बनके तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। धनिया पत्ता डाल दिया है। जब इस तरीके से अचारी बैगन की सब्जी बनाएंगे तो बड़ों से लेकर बच्चे भी बड़े प्यार से खाएंगे। तो इसे आप दाल चावल के साथ या पराठे के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी आज की अचारी बैंगन की रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।